और सीएम योगी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सिफई के नवनियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण और 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही जनपद इटावा के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय विधायक इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सिफई प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद श्री रोगराज सिंह साख्य जी, आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, विश्वविद्यालय के सभी हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के आज लोकार्पित होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इटावा और आसपास के जिन जनपदों के लोग इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। एक हॉस्पिटल या एक संस्थान कैसे ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को भी आमूलचूल परिवर्तन करने में योगदान दे सकता है, यह आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेज उसके उदाहरण है। आपने देखा होगा कि 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे और आज आप क्या करना चाहते हैं और उसी में दुनिया भर की कंपनियां कार्य करते हुए उसी प्रकार का एड तैयार करके फिर अपना मार्केट करके दुनिया के अंदर सबसे धनी लोगों की श्रेणी में खड़े हो गए। हम लोग ये मानते हैं कि हमें तो फ्री में मिल गया लेकिन हम उनके लिए मार्केट बन गए। उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर या देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चलता था। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी।
लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में है। और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है। और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सेफाई और इटावा के नाम से ही डरते थे। लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहां के कार्मिक भी हैं, वो अलग 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 क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और नजदीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में आज की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है और होने